वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं हिंदी विषय का कक्षा 8 का पाठ 8 का धानों के गीत का अभ्यास करने। यह हमारे कुछ स्टूडेंट ने इसकी डिमांड की थी, तो हम इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ताकि हम इस तरह की वीडियो और भी बनाते रहें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कविता आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी से ली गई है, जिसमें इस गीत के लेखक केदारनाथ सिंह जी हैं और इसमें किसान बादलों को अपनी धान की खेती के लिए आमंत्रण देता है, क्योंकि धान की खेती होने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो है गांव के परिवेश का वर्णन है। सो चलो देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है, बादल का स्वागत किसान भोर, धूप ढले, साँझ, पूजा की बेला आदि पर कर रहे हैं, क्योंकि बादलों का आना धान की खेती के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियाँ दी हैं, उसमें हमें क्या भावार्थ मिलता है उसको स्पष्ट करना है। क है, चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में। तो यहाँ पर इस पंक्ति का हमें भावार्थ देना है। तो इसका भावार्थ क्या है, चंद्रमा की चांदनी धान की कोमल बालियों पर और सूरज सूखे रेत में प्रकाशित होगा। ठीक है, ये इसका भावार्थ है, इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, संझा पुकारेगी गीली अंकुड़ियों, भोर हुए धन खेत। ठीक है, अब इसका देखो भावार्थ क्या है, संध्या समय नमी से आँखें गीली होंगी और सुबह खेत दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आप इसे कॉपी पे लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर। तो इसका भावार्थ है, प्रातः काल में ज्वार और रात्रि में धान के खेत लहलहाएंगे। तो ये जो अंडरलाइन है रेड कलर का, इसे ही आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, धान को प्राण क्यों कहा गया है, समझा कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, धान को प्राण इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार में एक बड़ी जनसंख्या के भोजन का आधार चावल ही है। हमारे देश में या फिर बाहर जो भी जनसंख्या रहती है, सभी को जो है चावल की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या चावल से अपना पेट भरती है, इसलिए धान को प्राण कहा गया है। अगला प्रश्न है, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे और धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। इन तीनों पंक्तियों के भावार्थ की तुलना करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उगेंगे, कपेंगे और पकेंगे से क्या आशय है। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से रीड करना है, उसके बाद हमें सिर्फ उगेंगे, कपेंगे और पकेंगे का ही आशय बताना है। तो इसका उत्तर है, धान के उगने, लहलहाने और पक जाने से आशय है। ठीक है, तो ये जो है इसका आशय सिर्फ यही है कि धान उगेगा, लहलहाएगा और पक जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, जहाँ प्रकृति की वस्तुओं को मानवीय व्यवहार की तरह दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। किसी भी निर्जीव वस्तु को अगर मानवों की तरह दिखाया जाता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे संझा पुकारेगी, अब साँझ, शाम तो एक निर्जीव वस्तु है, किसी ने देखा नहीं, हर रोज़ शाम होती है, लेकिन किसी को पुकारती नहीं है ना। लेकिन इस तरह से जब उसका यूज होता है, उपयोग होता है, तो वहाँ पर इसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। इसी तरह कविता में मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो इस तरह से कविता में बहुत सी जगह पर निर्जीव चीज़ों के लिए सजीव का ही जो है यूज किया गया है, सजीव की ही चीज़ों का उपयोग किया गया है, तो उसको जो है छांट के हमें यहाँ लिखना है। तो इसका उत्तर है, बादल आना जी, डगरियाँ पुकारेंगी, तुलसी वन झरेंगे, ज्वार झरेंगे। तो यहाँ पर जो है ये सभी क्या है, मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है। इसे आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, जिसमें अंडरलाइन नीचे रेड कलर का है। अगला प्रश्न है, कविता में अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे प्राण और चंदा। इनका तत्सम रूप क्रमशः प्राण और चंद्रमा है। कविता में आए अन्य तद्भव शब्दों को छाटिए तथा उसका तत्सम रूप लिखिए। तो इसके लिए आपको पहले तद्भव और तत्सम समझना होगा। तत्सम क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं,
और उसी तत्सम से कुछ शब्दों का रूप परिवर्तित हो गया है और उसका इस्तेमाल हम उपयोग हिंदी में करते हैं, उसे तद्भव कहा जाता है। तो चलो उत्तर को देखते हैं। तो जैसे पहला है सूरज, तो ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या है? सूर्य। दूसरा है सुखी, तो इसका तत्सम है शुष्क। और तीसरा है खेत, तो इसका तत्सम है क्षेत्र। और चौथा है सांझ, तो इसका तत्सम शब्द है संध्या। और पांचवा है दिए, इसका तत्सम शब्द क्या है? दीपक। तो इस तरह से तद्भव क्या होते हैं? जो तत्सम शब्दों से जिसका निर्माण हुआ है, तत्सम शब्दों में कुछ परिवर्तन करके। और तत्सम शब्द क्या है? जो संस्कृत से ही सीधे हिंदी में आ गए हैं, उन शब्दों को तत्सम कहा जाता है। तो ये आपके इस पूरे पाठ का, धान के गीत का पूरा अभ्यास था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।